हाय दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सिविल का कुछ काम। जैसे कि मैंने एक ड्राइंग बनाया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि एक रेजिडेंस का है, फ्लोर प्लान सेक्शन किया हूँ मैंने, एंड इसका एक्सटीरियर पार्ट एंड फाउंडेशन सारा चीज़ मैंने इसमें किया है। तो दोस्तों, हम लोग इस प्लान को किस तरीके से हम 3ds Max में लेके जाते हैं, एंड आप चाहो तो ऑटो कैड में 3D बना के भी वहाँ पे ले जा सकते हो। इस तरीके का वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा आपको, लेकिन मैंने आज इसमें न्यू दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग ऑटो कैड में 3D बना के उसके अंदर में किस तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जो टॉप व्यू को हम लोग पहले आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाएंगे, तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। पहले सेटिंग में जा के इसको हम लोग 3D मॉडलिंग में कर देंगे चेंजेस। उसके बाद हम लोग जाते हैं वाइड फ्रेम को कंसेप्चुअल ले सकते हैं, कंसेप्चुअल में जाके, एंड इसमें बहुत सारा है, ज़रूरी नहीं कंसेप्चुअली चाहिए, हिडन है, रियलिस्टिक है, तो हम लोग मेनली हम ये यूज़ करते हैं। एंड इसमें जाते हैं साउथ ईस्ट एसोमेट्रिक, एंड इसको आप शिफ्ट एंड कर्सर से घुमा सकते हो कहीं भी, पूरा मैक्स के जैसा लगेगा। तो पहले तो हम इसका वॉल तैयार करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है, जो भी टेक्सचर है, टेक्स्ट को पहले हटा देते हैं, तो वो कैसे हटे डिलीट करने से हो जाएगा। बस इतना चलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉक्स का यूज करेंगे। पहले हम लोग कॉलम्स बना लेते हैं, कॉलम्स कॉलम्स बहुत ध्यान से बना दो, क्योंकि यही हमारा मेन चीज़ है, किसी भी बिल्डिंग को टिका रहता है, तो इसको आप बहुत सावधानी से करिएगा, कोई मिस मत करिएगा कॉलम्स को। इसके बाद हम लोग करेंगे दीवार, ओनली वॉल करेंगे, विंडो छोड़ते हैं, विंडो भी नहीं करेंगे, विंडो के बाद करेंगे। आप ये मैप से भी कर सकते हो, बट आप इसलिए किस तरीके से करके आप मुझे जान के रखो तो अच्छा रहेगा फ्यूचर में। इसमें प्रेस पुल यूज कर सकते हैं हम लोग, आपको हम दिखाते हैं प्रेस पुल। प्रेस पुल में क्या होता है कि दोस्तों, एक बार में बन जाएगा पूरा, ये थोड़ा इजी कमांड है। जो भी आपका शेप है, जिस तरीके से आपका प्लान किया हुआ है, आप प्रेस पुल में जाओगे तो एक बार में हो जाएगा।
तो पेस्टल का यूज़ ज़्यादा करके हम लोग कोई अगर क्रिटिकल जैसे टाइप का डिज़ाइन हो उसको यूज करके बेसिकली लाइन में हम लोग बॉक्स यूज कर लेते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम से इसके पास से दीवार गया है। इसमें आप किस्त यूज कर लो। ये सारा मेरा हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर में विंडो बच गया, मैं पहले उसको कर लेता हूँ विंडो को। तो विंडो के लिए क्या करेंगे हम लोग, विंडो का वॉल बनाना है, विंडो नहीं बनाना है। इधर से पहले लेंगे हम लोग एक मीटर से थोड़ा कम ले लेंगे एंड इसको हम लोग कॉपी कर देंगे CO जो हम लोग यूज़ कर रहे थे प्रीवियस में प्लानिंग में, वैसे हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे 3D में भी कॉपी एंड पेस्ट। ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अच्छा तरीके से नहीं होगा, आपका पेज में थोड़ा सा वर्टिकल टाइप का आ जाएगा। ये देखिए ये दीवार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। जब तक आपका वर्टिक्स टू वर्टिक्स मैच नहीं करता है तब तक आपका काम परफेक्ट नहीं होगा। ये डोर है, ये है वेंटिलेटर, इसमें लोग उससे थोड़ा 7 फुट का लगभग देंगे। एक दीवाल है, इसके बाद हम लोग करेंगे कॉपी।
और में भी दे देते हैं। आप पता कर सकते हो इसका वर्टिस पकड़ के। ये देखो दोस्तों, ये हमारा रेडी हो गया है। सिर्फ बच गया लिंटन करना है और हमारा सारा कंप्लीट। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन देख रहे हो आप, इसको चाहो तो मिटा सकते हो। कैसे? आप सॉलिड यूनियन यूज़ कर सकते हो। सबको पकड़ के इस तरीके से सबको सिलेक्ट कर लो एंड एंटर प्रेस करने से वो सरेक हो जाएगा। इस तरीके से करने से क्या होगा, आपका जो सेगमेंट है वो नहीं दिखेगा और ये पूरा सॉलिड बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एक बार में ही सारा कर लेता हूँ इस तरीके से ट्रैक करके। एंटर, ये देखो हो गया। अब मैं इस फाइल को किस तरीके से मैक्स में इंपोर्ट करूँगा एंड आप वहाँ पर भी देख पाओगे, वहाँ पर फिर जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारा वॉल ऑलरेडी रेडी है। तो इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, मैक्स को ओपन कर लेते मैक्स में जाके। हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट, एंड मैंने इसको रखा था डेस्कटॉप पे एक्सटीरियर, इसको ओपन करेंगे एंड ओके। तो आप देख पा रहे हो कि ये चीज़ यहाँ पे आ गया है। हम लोग क्या करना चाहिए था, हम लोग को जो काम का चीज़ सिर्फ वही लेना था, जैसे ये सब चीज़ तुमको लगेगा नहीं, तो ये सब चीज़ को हम लोग को डिलीट कर लेना है वहीं पे ऑटोकैड में। तब आप जब भी इंपोर्ट करोगे दोस्तों, तो ये पूरा इस तरीके से ब्लैक दिखेगा, एकदम डार्क ब्लैक। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको समझने के लिए, इसमें तो आप समझने में बहुत प्रॉब्लम, हम लोग मटेरियल की यूज़ कर लेते हैं। मटेरियल को यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हो एज इट इज़ हमारा ये जो मॉडलिंग है, हम लोग ऑटो कैड में बना के यहाँ पर ला ले आए। इसे ये करने से बहुत ईजी होता है कि मान लो आप ऑटो कैड का प्लान बना रहे हो, वहाँ फटाफट आपने इसका दीवार बना लिया, तो क्या है कि दोबारा इसे मैक्स में बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि मैक्स में आके बनाते हैं, तो वो भी प्रोसेस ठीक है, बट आई होप आप अगर ऑटो कैड में ही कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे परफेक्शन पूरा एकदम एक्यूरेट हो जाता है।
तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और इस तरीके से नया नया कॉन्सेप्ट से आपको दिखाते रहूँ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए।